श्याम लाल चौहान। और आज आप लोग को किस प्रकार का कार्ड वितरित किया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इससे हमें ये मालूम हुआ है कि पहले जो हम लोग सिर्फ यूरिया और डाई और पोटास तीन रासायनिक तत्वों की मात्रा का प्रयोग करते थे और सूक्ष्म तत्वों के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी, जिससे हमारी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता था। और इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हमें ये मालूम हुआ कि हमारे खेतों में ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म तत्वों की कमी है और हमें यह बताया गया है कि इसमें सल्फर की ज्यादा मात्रा कमी है। और इस सल्फर की पूर्ति के लिए इन्होंने कृषि विभाग से जो अधिकारी आए हुए हैं उन्होंने बताया कि जिप्सम की मात्रा अगर प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में सल्फर की मात्रा मतलब पूर्ति हो जाए। हमारा नाम रजनीश कुमार यादव है और हम रही नया पंचायत में प्राथमिक सहायक टेक्निकल असिस्टेंट पद के तैनात हैं। और हमने 3 महीना पहले यहाँ से मिट्टी लेकर गए थे और इन किसानों को मिट्टी ले गए थे, ग्रीड वाइज मिट्टी ले गए थे। तो 10 बीघे के रेंज से एक किसान मिट्टी लेंगे, 2-3 किसान मिला मिट्टी ले गए थे, फिर जांच करवा के उनको हमने दिया मिट्टी किसान को जो है। और जिससे आज हमने 105 मेरा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरण किया सुबह से जो है। ये सॉयल हेल्थ कार्ड क्या है सर और किस लिए बनाया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम यह 2015 से शुरू हुई है। इसका यह द्वितीय चरण है और द्वितीय चरण के अंतर्गत ग्रिड के आधार पर ये मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं और सिंचित क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर क्षेत्रों में ये एक एक नमूना लिया जाता है। और उसी नमूने के आधार पर जितने भी खसरे होते हैं उन सभी को यह सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड में जांच क्या होती है सर? देखिए, इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड में मुख्य और जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं इन सभी की जांच होती है। जैसे मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सेकेंडरी में जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, इन सभी की जांच होती है और इनके आधार पर यह सॉइल हेल्थ कार्ड ये ऑनलाइन तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।